अब हाथ जोड़ने से कोई प्रेत वापसी जा रहा है जिसने भेजा है। मैंने बोला बाबा जी ये क्रिया जहाँ से आई है जो भी चीज है ये वापसी जानी चाहिए। वापसी गई, वो वहाँ जाके उसके घर पे खेल रही थी। वहाँ जो आठ भगत थे वो बोल रहे कि ये चौक से चौराहे से लगी है, पर वो जिसपे खेल रहा था वो बोल रहा था कि नहीं मेरा गुरु तो सुखदेव है, मेरा गुरु तो सुखदेव है। अच्छा, अब वहाँ लोगों ने मुझे तांत्रिक वो छोड़ दो, आप जो बात पहले बता रहे थे वो बताइए। आप मेरे पास किसको लेके आए थे? मेरा जो लड़का था, अब लड़के पे क्रिया भेजी, मेरे पे क्रिया भेजी, मेरे क्रिया नहीं चली। हाँ। मेरे बच्चे को सुबह 6 बजे वो ऐसे फूंक मारता था, सांप था, शीशे में देख रहा, शीशे में दिख रहा था। तो मैं उसको लेके यहाँ आया, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। हर्ष भैया ने क्या बताया? हर्ष भैया ने बोला क्या नाम है, इनको भैया के पास ले जाए, 4 क्रिया होंगी। अब उसका इतना सुविधा हुआ था, रात में मैं यहाँ लेके आया, 1 हफ्ते में सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म, लड़का बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ लाने से लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। तालियां बजा दो। पर मैं एक बात आपको बताता हूँ, वो बात तांत्रिक की और ये बात छोड़ दो। आप यहाँ लेके आए बच्चा ठीक हुआ, आपकी ही चीजें बच्चे पे आई थी, ना कि कोई अब भेज रहा है। आपको बहुत पुरानी चीजें थी, वो घर सब में कर रही थी, बदल रही थी घर, तो उन्होंने बच्चे पर जैसे ही काबू किया आप उसको सीधा यहाँ ले आए। वो साथ के साथ चीज चल गई, वापिस आप में ये तो आके कटेगी, कहाँ जाएगी? जिसके नाम की चीज होगी वहीं तो आके कटेगी ना। हाँ, तो मान लिया किसी को 2 प्रेत भेज दिए घर में, वो प्रेत किसी महिला के नाम के भेजे हैं, जरूरी नहीं वो उस महिला में ठहरे, वो घर के किसी अन्य सदस्य में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि महिला के ग्रह मजबूत हो सकते हैं और उसके शरीर में जगह नहीं बन पाए, कोई भक्ति करता हो उस लेवल से, उस स्तर से। यही बात है ना। हाँ, तो कितनी पुरानी समस्या थी बताना जरा। गुरुजी 7-8 साल से तो रेगुलर ही इनके शरीर के अंदर दिख रही। 7-8 साल से रेगुलर आपके शरीर के अंदर ही वो समस्या दिख रही थी। मैं मेरे को 2018 में। अब इनकी ये समस्या कितनी कट गई है बस मेरे को ये बता दो। गुरुजी 30% से प्लस अभी भी। 30% से प्लस अभी भी है, तो अभी भी क्या क्या बचा हुआ भाई? 30% कह दोगे मैं कैसे मान लूंगा? वो आदमी और महिला पुरुष दोनों ही सेम कटे हुए हैं। दोनों ही सेम कटे हुए। कहाँ तक? महिला का तो ऊपर का हिस्सा मुझे महसूस हो रहा है। हाँ, तो पुरुष है उसका नीचे का हिस्सा। नीले निशान पड़ते थे आपकी पत्नी को। हाँ, है ना। हाँ, तो इसलिए उसको मुंह की तरफ से काटा है शनिदेव महाराज ने। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव जय, शनिदेव जय, शनिदेव जय, शनिदेव। आपने आना है, अभी 2-3 बार हो रहा हो तब कटेगा ये कलेश, ऐसे नहीं जाएगा। जो 30% रह रहा है जब वो चला जाएगा आप अपने आप बता दोगे आपको पूरे आराम पड़ गए। अभी बच्चा ठीक हुआ है, बच्चे के बंधन हो गए, बच्चे को कभी कुछ नहीं होगा। आगे समझ में आपकी समस्या कितनी है ये आपने बच्चे से देख लिया कि उसको बीमारी आई तो कैसे संकट हुआ।